वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि क्या है, डीएमआईटी सेकेंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, बायो प्लस में केमिस्ट्री, यानी बायो मीन्स कोई जैविक मॉलिक्यूल, यानी जैविक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, यानी जो क्या है ह्यूमन बॉडीज को या फिर एनिमल्स को फॉर्मेशन के अंदर जो केमिकल्स या उसके स्ट्रक्चर को जो बनाने में केमिकल्स, एनर्जी के अंदर जो केमिकल्स काम में आते हैं, उन सभी के ऊपर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर किन किन चीजों के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है जो कि क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए मेन एनर्जी सोर्स है, क्योंकि ग्लूकोज को अपन सबसे पहले एनर्जी के रूप में काम में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, सुगर यानी सैकेराइड, स्टार्च, ठीक है, फैट, ग्लूकोज यानी सुगर, तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर स्टार्च यानी पेड़ों के अंदर सेलुलोज, पेड़ों की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक तो आप कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिस्कस करोगे, दूसरा किस पे डिस्कस करोगे, लिपिड के ऊपर, जो किससे मिलकर बना है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, फैट एंड ऑयल्स या फिर सैचुरेटेड फैट, ठीक है, या फिर अनसैचुरेटेड फैट। लिपिड के अंदर और क्या है, लिपिड किस चीज के लिए काम में आती है, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन के अंदर, जैसे फॉस्फोलिपिड वगैरह, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जब आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को डिस्कस कर लो, तीसरी चीज क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन किस से बने होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है, और अमाइनो एसिड जुड़ के कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, काफी सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होके फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन, जो कि किसका कंपाउंड है, बायोकेमिस्ट्री का, यानी क्या है, बायोकेमिकल, जिसको आप एनर्जी के रूप में भी काम में लेते हो, और क्या है, ह्यूमन बॉडी को या फिर एनिमल्स की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के अंदर भी वो काम में आता है। लास्ट तीसरी चीज क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए और आरएनए, यानी सेल के अंदर जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं डीएनए और आरएनए, वो भी किसके अंदर आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उनके ऊपर आप डिस्कस करते हुए डीएनए के अंदर कौन सी पॉलीपेप्टाइड है या फिर कौन सी चीजों से वो मिलकर बड़ा है, और इस सेल की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मोस्टली कौन सी चीज रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप ले सकते हो, उसके अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए मोस्टली कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड बेसिस और पेंटोज शुगर, जो क्या है, किसको, जो डीएनए और आरएनए है उनको बनाने का काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड या फिर पेंटोज शुगर, जैसे डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए का नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सारी चीजें आप किसके अंदर डिस्कस करोगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या डिस्कस करोगे, एक तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है, दूसरा लिपिड्स के बारे में जो क्या है, एनर्जी के रूप में भी काम में आता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के अंदर भी काम में आता है, या फिर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन एनर्जी के रूप में भी काम में आता है और क्या है, जैसे ब्लड के अंदर या फिर अदर फंक्शंस भी ह्यूमन बॉडी में करता है। न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जो कि क्या है, ह्यूमन बॉडी के मेन सोर्स है, यानी किसी भी सेल के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, डीएनए और आरएनए, जो उसके बेस को बनाते हैं। तो आपने देखा बायोकेमिकल है, यानी बायोकेमिस्ट्री है, उसके अंदर बायोमोलिक्यूल उन्हीं चीजों को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी केमिकल की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। और केमिकल्स कौन से, जो उस बॉडी को फॉर्म करे, उसको स्ट्रक्चरली मेंटेन रखे और क्या उसके अंदर एनर्जी के रूप में काम में आए। नेक्स्ट आप देखिए बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में देखिए आप, पहली डेफिनेशन जो है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोग्रेस, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की वह शाखा है कंसर्न्ड विद द, जिसके अंदर आप किस किस चीजों को कंसीडर करोगे, एक तो केमिकल को एंड फिजियोकेमिकल का मतलब क्या है, फिजियो का मतलब फिजिकल से लिया गया, जैसे एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी वहां से लिया गया, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के अंदर जो काम में आते हैं केमिकल, उनकी स्टडी, ये
यानी किस चीज की स्टडी करूँ, कंसर्न विद द केमिकल एंड फिजियो केमिकल, यानी केमिकल्स की और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करने में केमिकल काम आते हैं उनकी प्रोसेस, यानी उसके बढ़ने की प्रोसेस, कि उसके अंदर कौन सी चीज काम में आई है या कौन सा कंपाउंड काम में आया, जैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या लिपिड, एंड सब्सटेंस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनकी स्टडी करो किस जो सब्सटेंस किसके अंदर किसके साथ अकर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी जिंदा जैविक या जिंदा जीव के अंदर जो चीजें अकर होती है, जो किस चीज के अंदर काम में आती है, उसकी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में काम में आती है, जैसे उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के रूप में काम में आती है या जो उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, उन सभी केमिकल्स की स्टडी को आप क्या कहते हो, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री समटाइम्स कॉल्ड, यानी बायोकेमिस्ट्री कुछ कई बार आप क्या बोलते हो, समटाइम मीन्स कई बार या कुछ समय, कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मतलब जैविक जिंदा, ठीक है, जो क्या है जैविक ऑर्गेनिज्म हो, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन केमिकल, यानी जो क्या है जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल काम में आते हैं या उनके फॉर्मेशन में काम में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी जैविक केमिस्ट्री या जैविक केमिकल, इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। बायोकेमिस्ट्री किसकी स्टडी है, इज द स्टडी यानी किसका अध्ययन है, केमिकल प्रोसेस यानी ऐसे लिक्विड का अध्ययन है विद इन ए रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसके साथ अटैच है, एक जैविक यानी जिंदा ऑर्गेनिज्म के साथ केमिकल्स अटैच है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री, यानी ऐसे केमिकल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस जो क्या है एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में काम आते हैं या फिर उसकी जब वो बर्थ के बाद क्या एनर्जी सोर्स के रूप में काम में आते हैं या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में काम में आते हैं, उन केमिकल्स की स्टडी क्या है, बायोकेमिस्ट्री, यानी बायो मीन्स जैविक, जीव और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, जो क्या है ऐसे केमिकल जो जीव को फॉर्मेशन या किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं बनाते हैं। नेक्स्ट, ए सब डिसिप्लिन ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये सब डिसिप्लिन ऑफ बोथ यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती है, दोनों को मिला के किसी चीज को, बोथ यानी मीन्स साथ साथ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री यानी दो चीजों को मिला के क्या बनाया गया, केमिस्ट्री बनाया गया, बायोकेमिस्ट्री बनाया गया, कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फील्ड, और इस बायोकेमिस्ट्री को आप किस चीजों में डिवाइड कर सकते हो, तीन अलग अलग फील्ड के अंदर डिवाइड कर सकते हो, जैसे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी यानी किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने में जो स्ट्रक्चर काम में आती है, ठीक है, वो क्या होगी उसकी उन स्ट्रक्चर का अध्ययन या उन कंपोनेंट का अध्ययन जो क्या है उसको बढ़ाते हैं, वो क्या है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। दूसरी एंजाइमोलॉजी, एंजाइम या एंड मेटाबॉलिज्म यानी जो एनर्जी के रूप में उसके अंदर कंपाउंड काम में आते हैं जिससे क्या है वो जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाती है, वो क्या है मेटाबॉलिज्म। अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर लिपिड हो गया या फिर फैट हो गया, वो क्या है एंजाइमोलॉजी की या एंजाइमोलॉजी के अंदर या फिर मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं, वही तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और वही क्या है एनर्जी सोर्स के रूप में काम में आते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइंस की यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर एक केमिकल की स्टडी करो कि केमिकल कैसा जो क्या है जैविक ऑर्गेनिज्म को बनाने के अंदर इन्वॉल्व हो या फिर उसके अंदर काम में आया हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेकंड डेफिनेशन देखिए, बायोकेमिस्ट्री समटाइम्स कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री को कुछ टाइम्स आप क्या कहते हैं बायोलॉजिकल यानी जैविक केमिस्ट्री, केमिकल इज द स्टडी ऑफ केमिकल, क्या है बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल, केमिकल प्रोसेस की एक स्टडी है विद इन द रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किससे रिलेटेड है एक जैविक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लिविंग मीन जिंदा, ठीक है, ए सब डिसिप्लिन ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यानी दो बायो, एक तो क्या है बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया है, इन दोनों का सब यानी इक्वल जो डिसिप्लिन है वो क्या है बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों का जो मिलन है यानी दोनों का क्या है इम्पोर्टेंट रोल है,
इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया है, बायोकेमिस्ट्री। और इसको किसमें डिवाइड किया गया, कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फील्ड, और इसको तीन फील्ड के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि उन कंपाउंड की जो क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, उन कंपाउंड की स्टडी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है। लिपिड क्या है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम में आते हैं। तो लिपिड की स्ट्रक्चर, कि कौन सा लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम में आता है, वो क्या है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। नेक्स्ट एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी मतलब कि बायोकेमिकल या मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन सा एंजाइम किस कंपाउंड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, या कितनी एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, कितने एटीपी यूज करता है, वो क्या है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, एंजाइमोलॉजी। और लास्ट में क्या है, एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है किसी चीज का पाचन। मेटाबॉलिज्म किससे रिलेटेड है, जैसे अपन कोई फूड वगैरह या फिर कोई भी एनर्जी सोर्स अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर लेंगे तो उसका तो डाइजेशन होगा, वो किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। ये आप लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की, वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना। मतलब क्या है, बायोकेमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, क्लोजली मॉलिक्यूल से, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं उनकी स्टडी करोगे तो वो भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना है, उनकी स्टडी क्या है, बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यानी उनके जो बढ़ने का जो प्रोसीजर है मॉलिक्यूल्स के मैकेनिज्म, उसकी स्टडी क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। उसी को क्या है, उसी का ये फिनोमिना है, यानी बायोलॉजिकल फिनोमिना क्या है उस कंपाउंड का, उसकी स्टडी क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट, मच ऑफ बायोकेमिस्ट्री deals with the structure, function and interaction of biological macromolecules such as protein, nucleic acid, carbohydrate and lipids, which provide the structure of cell and perform many of the functions associated with life. सबसे पहले देखिए, much of biochemistry deals with, मतलब कि ज्यादातर biochemistry के अंदर आप किन चीजों से related बातें करेंगे या किन चीजों से related study करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, फंक्शन मीन्स कोई कार्य उस कंपाउंड का, एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल, और क्या है, इंटरेक्शन यानी उन बायोमोलिक्यूल की स्टडी, मैक्रो छोटे छोटे मोलिक्यूल की स्टडी, जस्ट एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं जिसके अंदर आप स्टडी कर सकते हो, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, which provide the structure of cell, यानी ये compound क्या करते हैं, जो क्या है, किसी cell को structure provide करवाते हैं। आपको पता है human body पूरी किससे composed हुई है, cell से। cell ही क्या है, human body की structural and functional unit है, and perform many of the functions, और वो compound और क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं associated with life, जो human life से जुड़े हुए हो, उन chemicals की study क्या है, biochemistry। एक बार दोबारा देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से, यानी अणु से, ठीक है, यानी अणु जैविक अणु से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ दिस, जो क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जो लाइफ को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता हो। द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना, और उस मॉलिक्यूल की स्टडी या उस मॉलिक्यूल का फिनोमिना स्टडी करना, कि वो मॉलिक्यूल किन किन कंपाउंड से या फिर कौन से आयन से या साल्ट, कौन से मेटल्स उसमें यूज हुए, कौन सी बॉन्डिंग उसमें यूज हुए। जैसे प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि क्या है, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट, आपने पहले वाली डेफिनेशन में देखा बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप किसकी स्टडी करते हो, मॉलिक्यूल्स की या मॉलिक्यूलर की, तो वहां से क्या टॉपिक बताया आपने, बायोमोलिक्यूल। उसके अंदर देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या है,
इन चीजों से मिलकर बना है। ए मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस बाय सेल ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा पार्टिकल जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी जिंदा जीव से। नेक्स्ट, बायो मॉलिक्यूल्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए वेस्ट अरे ऑफ फंक्शन, कि क्या है उनका साइज, एक तो काफी बड़ा उनका साइज होता है एंड उसकी स्ट्रक्चर्स होती है एक, एंड परफॉर्म ए वेस्ट अरे ऑफ फंक्शन, और वो क्या है कि जैविक या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं, फंक्शन प्ले करते हैं। नेक्स्ट, द फोर मेजर टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और जो मोस्टली क्या है, जो मोस्टली मेजर है, वो कितने टाइप के हैं बायो मॉलिक्यूल्स, चार टाइप के, जिसके अंदर क्या है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। देखिए एक बार दोबारा देखिए कि बायो मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस बाय सेल ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और बायो मीन्स जैविक, जैविक ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मॉलिक्यूल क्या है, बायो मॉलिक्यूल। जैसे ह्यूमन बॉडी में आप क्या है एनर्जी के रूप में फूड को लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी, कौन सा बायो मॉलिक्यूल बनाती है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। नेक्स्ट, बायो मॉलिक्यूल्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए वेस्ट अरे ऑफ फंक्शन, मतलब क्या है हर एक बायो मॉलिक्यूल की अलग अलग साइज होती है और क्या है अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, और हर एक बायो मॉलिक्यूल क्या है अलग अलग फंक्शन प्ले करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, द फोर मेजर टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और मोस्टली बायो मॉलिक्यूल्स को कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है, चार के अंदर, जिसके अंदर क्या है सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो एनर्जी सोर्स है यानी ग्लूकोज, क्या है सेक्सोज सैकेराइड। नेक्स्ट, लिपिड जो क्या है सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में भी काम में आते हैं, एनर्जी सोर्स के रूप में भी काम में आते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन, और क्या है प्रोटीन जो क्या है एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट देखिए बायो मॉलिक्यूल्स के टाइप कितने टाइप के हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट जो किससे मिलकर बना है, किससे कंपोज हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी H2O के मॉलिक्यूल और कार्बन। तो इसके अंदर आप किन किन चीजों की स्टडी करोगे सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आप देखिए कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन, इसके बारे में आप पहला लेक्चर जो आपका होगा कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि यानी किन किन चीजों से कंपोज हुआ है, ठीक है कौन सी उसमें बॉन्डिंग है और उसके फंक्शन यानी कार्य क्या क्या है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के कार्बन कंपोनेंट के प्रेजेंस के रूप में कितने अलग अलग क्या है, कितने वर्ग के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया या कितने ग्रुप के अंदर उसको डिफ्रेंशिएट किया है, वो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, ये सब पढ़ने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है पाचन। सबसे पहला जो है वो क्या है ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आती है, तो जिसके अंदर क्या होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है जिसको ह्यूमन बॉडी मोस्टली एनर्जी के रूप में काम में लेती है, यानी ह्यूमन बॉडी को 50-70% जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है वो क्या है ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप क्या देखोगे ग्लूकोज के पार्टिकल को इसमें कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में, बहुत सारे एंजाइम और एटीपी के यूज से या फिर इसमें एनर्जी फॉर्म भी होती है। नेक्स्ट, जब पाइरूवेट में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है फिर उस पाइरूवेट को किस मॉलिक्यूल में काम में लिया जाता है एसिटाइल को एंजाइम में, ठीक है जो किसमें काम में आती है क्रैब्स साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट, क्रैब्स साइकिल के अंदर फिर क्या होता है एनर्जी फॉर्मेशन होती है, कुछ एनर्जी यूज भी होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पूरी एनर्जी जितनी फॉर्म होती है ह्यूमन बॉडी में सारी की सारी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस यानी जिसके अंदर क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है उतनी ग्लूकोज को यूज करने के बाद
जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बचती है उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में, और स्टोर कहां से किया जाता है, लीवर के अंदर। वो प्रोसीजर क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब क्या है कि आपने क्या है या खाना नहीं खाया उस टाइम पे क्या होगा, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पहले आपने स्टोरेज की थी ग्लाइकोजन, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर लेती है ह्यूमन बॉडी, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस चलता है और क्रैब साइकिल, जिससे उसका क्या है डाइजेशन हो जाता है और ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। वो स्टेप क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या फॉर्म करना, एनर्जी फॉर्म करना, या नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कौन से, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, या फिर लैक्टिक एसिड हो गया, या फिर पाइरूवेट हो गया, ठीक है, इन सभी से क्या है आप ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हो, एक कार्बोहाइड्रेट को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एटीपी सेल, यानी ये ऊपर वाली जो रिएक्शन थी वो किसकी प्रेजेंस में थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या है एनर्जी को फॉर्म कर सकते हो। अगर किसी सेल के अंदर यानी कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी जनरेट की जाए तो कौन सा पाथवे काम में आता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सेट या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट आप देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज कौन सी आप डिस्कस करोगे, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, यानी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन बढ़ जाती है धीरे धीरे, इसको फैटी लीवर भी बोलते हैं। या फिर दूसरी है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस किससे रिलेटेड है कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन का या तो क्या है प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता, या फिर क्या है उसका यूटिलाइज प्रॉपर वे में नहीं होता, तो जो ग्लूकोज है उसकी क्या है क्वांटिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, तो वो क्या है डायबिटीज मेलाइटिस। और तीसरी क्या है डिजीज, ग्लूकोज टोन है टेस्ट, जो क्या है जीटीटी। सभी स्टूडेंट इस लेक्चर के नोट प्रिपेयर कर लें और आगे के जितने भी लेक्चर हैं उनके सभी यहाँ कंप्लीट नोट तैयार करके फिर जिस दिन कॉलेज शुरू होगा उस दिन आपके पूरे नोट क्लास टीचर के द्वारा चेक किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किसके ऊपर होगा, कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन और फंक्शन के ऊपर।